अस्पताल के बाहर बैठा परिवार, उसको क्या पता था कि इस अस्पताल में उसके बच्चे की मौत हो जाएगी। इटावा के कचोरा रोड पर बना ओम नवजीवन हॉस्पिटल में बीती रात को एक बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई। पीड़ित पिता के द्वारा बताया गया है कि बच्चे की मृत्यु के बाद भी अस्पताल में इलाज जारी रहा। पीड़ित पिता ने यह भी बताया कि उसको यश दुबे नाम के डॉक्टर ने ओम नवजीवन हॉस्पिटल के लिए रेफर किया था, जहां पर स्टाफ के द्वारा उनके बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित पिता ने यह भी बताया कि अस्पताल स्टाफ के द्वारा उनसे जबरदस्ती की गई थी कि हमारे अस्पताल में इलाज करवा लीजिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन पीड़ित पिता को क्या पता था ऐसे अस्पतालों में बच्चों को छोड़िए बड़े इंसानों को भी मौत मिल जाती है। इटावा से गौरव सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। मेरा बच्चा भी, उसको बुखार आया था 2-3 दिन से, मैंने केवल जी को दिखाया, उन्होंने ड्रिप लगा दी, तभी खराब हो गई, अभी डेथ हो गई उसकी। तो उसको थोड़ा थोड़ा बुखार रहता था, अभी डॉक्टर साहब यश पांडे जी को दिखाया, उन्होंने रेफर कर दिया यहाँ पे, और डॉक्टर साहब ने एडमिट करने के लिए बोल दिया, हमने एडमिट करा दिया। उसकी तबीयत बिगड़ गई, फिर हॉस्पिटल में फॉगिंग हो रही थी तो बच्चे को लेकर बाहर खड़ा होना पड़ा। लगभग 40 मिनट तक मैं बाहर खड़ा रहा उसको लेकर, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगवा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, डॉक्टर साहब से बात भी नहीं हो पा रही थी। स्टाफ सारी दवाई लिख रहा था, उन्होंने दे दिया ट्रीटमेंट अपना जो भी था, चला के दवा लेके आया। तब तक डॉक्टर साहब पहुँच गए थे, डॉक्टर साहब ने बोला कि भैया इसकी तबीयत तो बहुत ख़राब है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, तो मेरे हिसाब से तो है नहीं, ख़त्म ही है बिल्कुल। बोले कि नहीं, आप हमारे साथ ले चलो, वहाँ ले चलो, यहाँ ले चलो, जबरदस्ती लिया यहाँ पे, उसको ICU में डाल दिया। अंदर गया तो मैं उसको देख ही समझ गया था, मैंने इसको कुछ है ही नहीं। अभी बोल रहे हैं कि अब हमने तो आपको बता दिया था, क्या बता दिया, तो कुछ नहीं बता दिया, जबरदस्ती तो वहाँ से लेके आए, हमारे पास तो पैसा भी नहीं था, हमने आपको बोला बैकअप नहीं है, हमारे पास बाहर से आए फिर भी लेके चले आए, तो चलो हमारे साथ चलो। साहब ने अपना वो फाइल बना के दी थी इलाज की, उसके बाद बाकी के जो इंजेक्शन लगाए वो स्टाफ ने खुद अपनी तरफ से लगाए हैं उसको लिख लिख के। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब आपने तो पूछा नहीं उन्होंने, कह रहे वो हम तो जानते हैं सारी बात है, हमारी वर्किंग है ये वो। अभी डॉक्टर साहब से मैंने बोला, मैंने आपका स्टाफ तो लापरवाही से काम कर रहा है, कि वो तो हमारे हमसे पूछ के काम कर रहा है। मैंने कहा जब मैंने जब उसको बीमारी के बारे में बताया तो उन्होंने आपसे तो फोन भी नहीं किया था, उसने तो अपना पर्चा बना दी, मुझसे दवा मंगा ली। मुझे क्या लग रहा है पूरे हॉस्पिटल की लापरवाही रही है उसमें, डॉक्टर साहब की है उसमें, आपने स्टाफ ही ऐसा रखा, अब आपसे बात भी नहीं कर रहा, कंसल्ट नहीं कर रहा, वैसे ट्रीटमेंट दिए जा रहे हो भाई की पूरी लापरवाही है सर, पूरी लापरवाही। तो मैं तो करूंगा इनको हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई जरूर करूंगा।